दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह, कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह प्रधानमंत्री कैसे बने। कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा में होने के कारण सभी इस नाम से परिचित तो हैं, मगर कैप्टन के जीवन के बारे में जानने के प्रयास हम लोग करते हैं। कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, वह रीवा रियासत के प्रधानमंत्री रहे, राज्यसभा सांसद रहे, उनके पुत्र गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल भी रहे, पोते हर्ष नारायण सिंह चार बार विधायक और मंत्री बने, दूसरे पोते ध्रुव नारायण सिंह भोपाल मध्य से विधायक बने और पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन भी रहे। नाती विक्रम सिंह विक्की रामपुर बघेलान से वर्तमान में विधायक हैं। कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह का जन्म सन 1888 में हुआ। कैप्टन का जन्म सतना जिले के रामपुर बघेलान में हुआ। कैप्टन भारत देश के राजनेता थे, वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह की राजनीतिक सोच और कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें भारतीय संविधान सभा का सदस्य बनाया गया, यानी आजाद भारत का जो संविधान बना, उस संविधान बनाए जाने में कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह की भी भूमिका रही, वह भी संविधान सभा के सदस्य थे। कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह को रीवा रियासत का प्रधानमंत्री भी बनाया गया, वह कुछ समय तक इस पद की गरिमा को भी बखूबी निभाए। कैप्टन का विवाह महाराज कुमारी के साथ हुआ, जिससे दो संतानें हुई, एक पुत्र व एक पुत्री। पुत्र गोविंद नारायण सिंह हुए। कैप्टन की मृत्यु 16 जून 1967 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई।